हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सोल स्पाइस किचन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है कैरी का शरबत। गर्मी आ गई है, नींबू शरबत पीने का बहुत मन करता है और इस दिनों में नींबू भी बहुत महंगे होते हैं, तो हम आज बनाएंगे कैरी से शरबत। कैरी का शरबत बनाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है। बहुत इजी रेसिपी है, आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हो बॉटल में भर के, जब भी आपका मन करे आप इसे पी सकते हो। यहाँ पर मैंने शुगर ऐड कर दी है, 2 से 3 चम्मच शुगर अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, आपकी जितनी क्वांटिटी है। यहाँ पर मैंने कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम लिया है, कैरी ली है। आप डायरेक्टली पानी में भी कद्दूकस कर सकते हो, मैंने करके रखा था। यहाँ पर मैंने कुछ चिया सीड डाले है, चिया सीड ठंडा होता है खाने में, इसलिए मैंने यहाँ पर, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं भी डाला तो कोई टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने कुछ पुदीने के पत्ते क्रश करके डाले हैं, हाथों से तोड़कर डाल दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है शरबत, लेकिन हम इसे छान लेंगे, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, जो हमारी चीनी वो पानी में घुल जाए। अच्छे से मिक्स करते रहना है, उसमें हमारी जो कैरी है वो भी अपना जो खट्टापन है वो पानी में आ जाएगा, कैरी का जो खट्टापन है। अब हम इसे छान लेंगे। यहाँ मैंने नीचे थोड़ा सा चिया सीड और डाल दिए है। अब हम इसे शरबत को छान लेंगे। देखिए अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे जो हमने छान कर थोड़ा सा कच्चा कैरी वो कद्दूकस किया हुआ है, हम लास्ट में थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि पीते वक्त जो मुंह में आएगा तो थोड़ा खट्टा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने 1 चम्मच वो कद्दूकस किया हुआ कैरी इसमें डाल दिया है। देखिए थोड़ा सा काला नमक फिर से मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर तैयार है हमारा कच्चे कैरी का शरबत, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया लगता है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।